फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल, थोड़ा भी आपको ये वीडियो डिफरेंट, अलग और अच्छा लगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। राजेश्वरी फूड प्रिया आर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो सरिता सरिता राजेश्वरी फूड प्रिया आर्ट को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं फ्रिज खोल रही हूँ, अभी लाइट जा चुका है। तो ये देखिए, कॉटन के कपड़े से मैंने ढका हुआ है यहाँ पे दूध का पतीला, तो इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ। दोस्तों, दूध के पतीले को बाहर निकाल लिया है, अब ये जो कॉटन का कपड़ा है इसको हम हटा लेते हैं। इसकी जगह पे आप जो छलनी होती है, छलनीदार बर्तन होते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये ट्रेडिशनल तरीका है। इस तरह से रखने से दूध में क्या होती है कि मोटी मलाई की परत आती है, आप देख सकते हो वीडियो में। ये गाय का दूध है दोस्तों, पैकेट वाला दूध नहीं है और भैंस वाला भी दूध नहीं है। तब भी गाय का दूध होने के बावजूद भी गाय का दूध पतला होता है दोस्तों, और देख सकते हैं पतला होने के बाद भी ये दूध कितना मोटा मलाई आया है दोस्तों। ये देखिए, ये देख सकते हैं दोस्तों। तो बस आज मैं इसी से आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी भी बताऊंगी, एक एक चीज आपके लिए लाभकारी होगा, कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। यहाँ पे 14 दिन का मलाई मैंने निकाल के रखा है दोस्तों, देखिए कितनी फ्रेश है, ताज़ा है। इसको मैंने फ्रिज में नहीं, फ्रीजर में रखा है, इसीलिए ये इतना फ्रेश है, और इसका टेस्ट भी एकदम, आप इसको ऐसे ही रोटी में चीनी लगा के खाओगे तो एकदम आपको लगेगा कि जैसे पहले दिन आपने मलाई निकाली है वैसा ही टेस्ट लगेगा। तो इसमें से भी मैं मलाई निकाल के सारा, ये देखिए दोस्तों, गाय का दूध होने के बावजूद भी ये कितना मोटा मलाई आया है। तो ये सब जो मैंने अभी ट्रिक आपको दिखाया शुरू शुरू में, उसी का कमाल है दोस्तों। तो कॉटन का कपड़ा आप जब कभी भी फ्रिज में दूध को बॉईल करने के बाद जब ये दूध ठंडा हो जाए, तो आप कॉटन के कपड़े से ऐसे ढक के निकालेंगे, तो गाय से भी, आपका गाय के दूध से भी इतना मोटा मलाई निकलेगा। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, ये वाली भी मलाई निकाल ली है, इस ट्रिक को आप जरूर अपनाइएगा दोस्तों, तो गाय के दूध से भी आपकी मोटी मलाई निकलेगी। तो दोस्तों, इसको हम एक बड़े बर्तन में, जिसमें ये अच्छी तरह से मथ सके, उसमें निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, बड़े से बर्तन में इसको मैंने निकाल लिया है दोस्तों। इसको मैंने सुबह ही निकाला था जब मैं सो के उठी थी, और अभी वीडियो मैं शाम के 6-7 बजे शूट कर रही हूँ दोस्तों। तो ये अब इतना ठंडा नहीं है, क्योंकि ठंडी का मौसम है, इसको फ्रीजर में रखा था, तो ये पूरी तरह से लूज हो गया है, 10 से 12 घंटे हो गए हैं, अब इसको आराम से हम हाथों से छू सकते हैं। तो दोस्तों, हाथों के जरिए से ही इसको मैं मथूंगी दोस्तों, और हाथ से ही आप देखिएगा इतनी सुंदर की वो जो मक्खन होती है वो मक्खन भी निकलेगा, और घी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलेगा। मैं इसे मथने के लिए दोस्तों ना तो कटोरी का इस्तेमाल कर रही हूँ, ना ही तो रही का इस्तेमाल कर रही हूँ, और यहाँ पे हैंड विस्कर है, हैंड विस्कर का भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आप चाहो तो हैंड विस्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और रही का, मथनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या कटोरी से भी आप इसको ऐसे करके मथ सकते हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन लास्ट में हाथ में लगाना ही पड़ता है जब हम उस मक्खन को गोला बनाते हैं दोस्तों। तो मैं शुरू से हाथ से ही इसको मथ रही हूँ। अगर आपको अपनी सुविधा के अनुसार से इन तीनों चीज़ों से किसी से भी मथना है, वो आपकी चॉइस है, लेकिन लास्ट में हमें हाथ लगाना ही पड़ता है मक्खन को मथने के लिए, गोला बनाने के लिए। तो मैं शुरू से लेके अभी इसको लास्ट तक हाथ से ही पूरा काम करूंगी। हाथ को लेकिन अच्छे से आप धो लीजिएगा, इसको मैंने जस्ट अभी हाथ को अच्छे से धो लिया है, और 1 मिनट के करीब होगा तो देखिएगा ये बहुत ही चिकना हो जाएगा दोस्तों। तो लगभग घंटों का काम मिनटों में हाथ के जरिए से ही होगा, ना कोई मशीन चाहिए, ना कोई बिजली, ना रही, ना कटोरी, ना हैंड विस्कर, बस हाथ से ही पूरा कमाल होने वाला है दोस्तों। तो इसको हम 3 मिनट में ही पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये देखिए, इस मैं जोर जोर से स्पीड से इस हाथ से ऐसे करके इसको 1 मिनट तक मथेंगे, क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो भी शूट कर रही हूँ दोस्तों, और एक हाथ से ये मत भी रही हूँ, तो नहीं हो पाएगा कंटिन्यूसली। तो 1 मिनट तक मैं इसको अच्छे से ऐसे करके, ये देखिए, जैसे ही आप इसको मथना चालू कर, अपने आप ये सॉफ्ट और जो हमारी मक्खन होती है वो निकलने का प्रोसेस चालू हो जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, 1 मिनट में ही जो इसका दाना था, दानेदार जैसा लग रहा था मलाई, एकदम सॉफ्ट हो गया, एकदम मक्खन जैसा हो गया, ये देख सकते हैं आप हाथों की सहायता से। बस 1 ही मिनट हुआ है इसको ऐसे करके, ये घूम रहा है थोड़ा, ऐसे करके नज़दीक से दिखा दे रही हूँ, ऐसे 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 जोर से 1 ही मिनट तक ऐसे मैंने मथा है, तो पूरा ये दानेदार से एकदम सॉफ्ट हो गया है दोस्तों। अब इसकी मक्खन निकलने लगी है, इसको बस ज़्यादा और नहीं फेंटना है, बस हाथों की सहायता से 2 मिनट तक, 1 मिनट मैंने फेंट लिया तो ये इतना सॉफ्ट हो गया है दोस्तों, ऐसे करके ऐसे, ये देख सकते हैं कितना स्पीड से मैंने फेंटा है, तो ये ऐसा हो गया है एकदम। अब इसको ऐसे ही स्पीड से मैं 2 मिनट दोस्तों ऐसे ही फेंटूंगी, उसके बाद पूरी की पूरी जो हमारी मक्खन है वो निकल जाएगी, एकदम ये सॉफ्ट हो जाएगा मक्खन जैसा हमारा, एकदम मुलायम होता है, हल्का हो जाएगा एकदम, ये देखिए कितना हल्का हो रहा है, मैं नज़दीक से दिखा दे रही हूँ। तो इसको मैं 2 मिनट ऐसे ही तेज़ी से और 2 मिनट के लिए फेंट लेती हूँ दोस्तों।
तो ये लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हो वीडियो में इतना स्पीड करके मैंने पूरा जो मलाई था उसको एकदम सॉफ्ट मक्खन में बदल दिया है मथते मथते। और ये देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हो रहा है, कितना मुलायम हो गया, ये देखिए कितना हल्का हो गया ऐसे गिराने से। ये देखिए हाथ में आप जो हमारी मक्खन है अच्छी फेटी हुई है, उसका साइन यही है कि आप ये देखिए ये सब चिपक नहीं रहा है चारों तरफ, आप देख सकते हो वीडियो में। ऐसे ऐसे करके फेटोगे तो ये खुद ही कॉर्नर जो होती है और नीचे ऐसे ऐसे करने से ये खुद ही छूट रही है। तो इससे हाथों की सहायता से ही ये कितना अच्छा हमारा मक्खन रेडी हो गया है, हाथों में भी नहीं चिपक रहा है। आप देख सकते हो हाथ से जब हमने इसको गिराया कितना हल्का था, हाथों में भी ये नहीं चिपक रहा है दोस्तों। तो बस हो गया ये हमारा 3 मिनट में ही ईमानदारी से दोस्तों, हमारी अच्छी सी मक्खन जो है रेडी हो गई है। अब इस मक्खन से हम घी निकालेंगे, एकदम शुद्ध देसी घर का घी का बात ही कुछ और होता है। और गाय के घी के तो बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, आयुर्वेदिक दृष्टि से भी गाय का घी बहुत लाभकारी होता है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे दोस्तों, घंटों का काम सिर्फ 3 मिनटों में हो गया दोस्तों। तो दोस्तों इस मक्खन को आप अगर हाथों में हथेली पे कहीं भी लगाओगे तो जो हमारी स्किन है वो सॉफ्ट हो जाती है। इससे आप अपने चेहरे का भी मसाज करोगे तो डेड स्किन निकल जाती है, कहीं भी स्किन पे आप लगाओगे तो एकदम सॉफ्ट हो जाती है। ये ट्रिक्स आप ज़रूर अपनाइएगा, आपको लाभ मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे। आप इसमें ये देखिए ये तुरंत ही ये ऊपर हो जाएगा, ये देखिए बेहतरीन ये मक्खन हमारा हाथों से ही निकला है। ये देखिए पानी डालते ही ये ऊपर अलग गया है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप वीडियो में, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं ये देखिए। और मैंने कोई ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं किया है दोस्तों, ये नॉर्मल क्योंकि ठंडी है ना अभी, तो नल का पानी भी ठंडा ही रहता है, तो बस वही पानी मैं डाल रही हूँ। तो मैंने नल का ठंडा पानी ही डाला है दोस्तों, कोई अलग से जो फ्रिज की पानी होती है वो पानी इस्तेमाल नहीं किया और ना ही आइस क्यूब इस्तेमाल किया। लेकिन गर्मी में जब आप घी निकालोगे तो आप आइस क्यूब का इस्तेमाल कीजिएगा और चिल्ड वाटर का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रहता है। तो उससे क्या होता है जब हम मलाई को मक्खन में फेरते फेरते कन्वर्ट करते हैं तो वो थोड़ा सा पसीस जाता है, थोड़ा गीला हो जाता है। तो उसके बाद उसी के लिए हमें इसमें चिल्ड आइस और चिल्ड वाटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन ये देखिए मैंने नॉर्मल नल के पानी से ही इसको ये पूरा जो हमारी मक्खन है अलग गई है दोस्तों। तो दोस्तों अब इस बर्तन से ये पूरी मक्खन जो है हम यहाँ पे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस बर्तन में भी मैंने नल का ही ठंडा पानी लिया है, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं पूरे मक्खन को। कम से कम ये जो प्रोसेस है 2-3 बार हम ऐसे करके पानी को बदल लेंगे, इससे जो हमारी घी है जलेगी नहीं और ज़्यादा घी निकलेगा। तो आप जब हमारी मक्खन निकल जाए तो इसको 2 से 3 बार पानी से धो लीजिएगा दोस्तों। तो इसको एक बार और मैं धो लेती हूँ, तो इसका भी पानी निकाल दिया है, एक बार और हम पानी से इसको धो लेते हैं दोस्तों, और उसके बाद हम इसका मक्खन से घी निकालेंगे। तो दोस्तों ये हो गया है, अब हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों इसका पानी हमने टोटल निकाल दिया है इस मक्खन का, और यहाँ पर गैस पर हम आ गए हैं, कढ़ाई मैंने पहले ही चढ़ा दिया था। अब पूरा का पूरा हम ऐसे ही इसमें डाल देंगे और गैस को हम थोड़ा अभी लो टू मीडियम रखेंगे दोस्तों, और इसको हम लाड़ेंगे जब तक कि हमारी जो घी है अच्छी तरह से निकल ना जाए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारी जो घी है निकल रही है, एकदम शुद्ध घी निकल रही है घर की। तो अभी मैंने गैस थोड़ा सा कम ही किया है 1 मिनट तक, उसके बाद हम इसको इससे हमारी घी अंदर में लगेगी भी नहीं, जलेगी भी नहीं और एकदम अधिक मात्रा में हमारी घी निकलेगी। थोड़ा सा 1 मिनट जब आप घी निकालते हो 1 मिनट के लिए गैस का फ्लेम कम रखिए, उसके बाद 1 मिनट के बाद आप गैस का फ्लेम ज़्यादा कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों इस पानी को आप वेस्ट मत समझिए, वेस्ट मत कीजिएगा, इसका भी बहुत हेल्थ बेनिफिट है दोस्तों। जिसकी शरीर में बहुत अधिक मात्रा में ताप होती है, गर्मी होती है, इस पानी के बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसको आप छाछ बना के भी इस्तेमाल कर सकते हो।